हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे, यार इसमें अब बात करने वाली कौन सी बात है, रिएक्शन चैनल है, ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तानी इंडियन वीडियोज़ पर रिएक्शन दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत लोग दे रहे हैं, उसमें नया क्या है। लेकिन अगर वही पाकिस्तानी इंडियन बनकर पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन दे तो थोड़ा सा लोचा लगता है, राइट? क्योंकि आगे इंडियन लग गया तो थोड़ा सा बात फिर अपने ऊपर आ जाता है। तो आज मिलवाने वाला हूँ आपको कुछ इसी तरह का एक, बाकी जज आप करना, मैं कुछ जज नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, और मैं जिस दो चैनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हो आप, रिएक्शन नेशन और डैब रिएक्शन, ठीक है। अभी जो डैब रिएक्शन है, अगर इसमें देखो तो टाइटल जितने भी लिखे हुए हैं, पाकिस्तानी रिएक्ट, पाकिस्तानी रिएक्ट, पाकिस्तानी रिएक्ट, पाकिस्तानी रिएक्ट, ठीक है। मैंने इसको फिल्टर किया हुआ है, ओल्डेस्ट टू सबसे पुराना वीडियो पहले आएगा, ये हो गया न्यूवेस्ट। तो अभी देख सकते हो आप, सेम लड़की यहाँ पर भी है, सेम बंदा, ठीक है। बट यहाँ पे टाइटल में सब जगह लिखा हुआ है पाकिस्तानी रिएक्ट, पाकिस्तानी रिएक्ट, दैट्स मीन ये। और अगर मैं इनका अबाउट सेक्शन भी चेक करूँ तो यहाँ भी देखोगे तो लोकेशन पाकिस्तानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये आ गया आपका रिएक्शन नेशन। अब यहाँ पे जितने भी टाइटल्स लिखे हुए वो हैं इंडियन रिएक्शन, इंडियन रिएक्शन, इंडियन रिएक्शन, ठीक है। दैट्स मीन ये टाइटल गलत लगा रहे हैं ताकि जो भी लोग देखें ये सोचे कि इंडियन रिएक्शन है। अब आप बोलोगे कि यार टाइटल गलत लगा रहे हैं, ठीक है, व्यू पाने के लिए गलत टाइटल लगा रहे हैं, उसमें क्या है, ओके। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अबाउट सेक्शन में यहाँ पर भी लोकेशन पाकिस्तानी देखने को मिलेगा आपको। लेकिन मेन मुद्दा कहाँ पे आता है कि ये सिर्फ टाइटल ही गलत नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये खुद को क्लेम भी कर रहे हैं कि ये इंडियन है। मैंने कुछ क्लिप्स इनके रिकॉर्ड किए हैं, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी क्लिप्स हैं, काफ़ी वीडियोज़ हैं, तो हर वीडियो में आपको प्ले करके दिखा नहीं सकता। तो मैंने कुछ वीडियो प्ले किए थे और कुछ क्लिप्स को मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें ये खुद को क्लेम कर रहे हैं। उनकी बातों से साफ आपको लग जाएगा कि ये छुपाना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी नहीं है बल्कि इंडियन है। और अपने आप को किसी वीडियो में इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बल्कि इस चैनल पे इन्होंने अपना नाम बताया हुआ है, और लेकिन इस चैनल पे नेशन, रिएक्शन नेशन पे इन्होंने अपना नाम नहीं बताया हुआ है। तो ये अपने को बता भी रहे हैं, मतलब एक तरफ तो इन्होंने अपना जो है अबाउट सेक्शन में शायद ये हटाना भूल गए हैं या जो भी, लोकेशन उन्होंने पाकिस्तान डाल रखा है, ठीक है, बन के बैठे हुए इंडियन और खुद को इंडियन बता भी रहे हैं। तो मैं भी कुछ वीडियो प्ले करता हूँ आपके सामने पहले। अब आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चैनल का नाम मैंने आपको दिखा दिया, वीडियोस आप खुद जाके देख लो एक बार। अब यहाँ पे मैं जो इनका इंडियन वाला जो चैनल है जिनका नाम है रिएक्शन नेशन, उसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कई वीडियोस चेक किए शुरू से लेकर लास्ट तक, जितना हो सका मैंने वीडियो चेक किया, किसी वीडियोज़ में इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, राइट। लेकिन जो पाकिस्तानी वाला पे है उसमें ये बंदा अपना नाम बताता है, असद, और इसके साथ शुरुआत में एक और लड़का काम करता था जिसका नाम था जुनैद। फिलहाल अभी ये एक कपल, यानी कि एक लड़की के साथ ये बैठ रहा है, तो कपल नहीं बोलूँगा, मे बी उसकी सिस्टर भी हो सकती है, रियली वेरी सॉरी, मे बी उसकी सिस्टर भी हो वो, तो कपल फिलहाल मैं नहीं बोलता। बट इन्होंने अपना किसी में भी नाम नहीं बताया। अब पहले आप ये दो क्लिप देखो, और ये दो क्लिप देखने के बाद अब हो सकता है ना कि कोई व्यूज़ लेने के लिए इंडियन लिख रहा हो, इंडियन रिएक्शन ऑन ये वो, तो अब सिर्फ व्यूज़ लेने का ही बात नहीं है। ये दो वीडियोस देखने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये जो है अपने आप को इंडियन क्लेम भी कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हो तो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है यार, दिल से पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। यही पता चलता है कि पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही अच्छी है, मतलब रिस्पेक्टफुल बात करती है, और मतलब कि हेट नहीं देती सबसे पहली बात, और मतलब प्यार देती है, तो ये बहुत अच्छी, इससे अपब्रिंगिंग पता चलती है कि पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही अच्छी है, और उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है। इतने सारे लड़कों के सामने मतलब कहा नहीं, हिजाब मेरा, मेरी मर्जी भाई, और अपनी अपनी मर्जी, और बहुत ही मतलब दिलेरी से, है ना, दिलेरी कहते हैं ना बहादुरी को, दिलेरी से मतलब के वो सबके सामने, मतलब कि वो जाहिल लड़के थे बहुत ही, पता नहीं क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाना भी गलत है, बहुत पता नहीं क्या चल दिमाग में चलता रहता है, और गवर्नमेंट बहुत ही भड़काती है ऐसी इन्हीं चीज़ों के ना, गवर्नमेंट भड़काती है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके ना गवर्नमेंट अपना मतलब के निकल लेती है, समझ रहे हो ना, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता है तो बताओ।
अब ये दो वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल गया होगा, पहले वीडियो में ये बंदा क्लियरली बोल रहा है कि पाकिस्तानी मुझे कमेंट करते हैं और हेट कमेंट नहीं करते हैं, वो अच्छे हैं, दैट्स मीन क्लियरली है कि वो इंडिया बन के रिएक्शन दे रहा है, इंडियन बन के रिएक्शन दे रहा है और पाकिस्तानियों को बता रहा है कि भाई आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज आप अच्छे हो। तो ये तो क्लियर है, कोई भी बता देगा ये वीडियो देख के कि हाँ भाई ये इंडियन बन के रिएक्शन दे रहा है। अब एक वीडियो और मैं दिखाना चाहता हूँ जो इसके रिएक्शन नेशन चैनल जो है जिस पर इंडियन बन के रिएक्शन दे रहा है, ये उसका सबसे पहला वीडियो है, पहले इस वीडियो को आप देखो। Yes, how are you all? Hmm. And today we are at two. आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान का ड्रामा है एक, खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो देखते हैं। कृपया आप भी इस वीडियो को देखें और इस ड्रामे को देखें, इस एपिसोड को। हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing, bro? आपकी इंग्लिश सुन के, हिंदी में बात कर लो, उर्दू में बात कर लो यार। तो यार हिंदी उर्दू इंग्लिश सभी बोल सकते हैं ना, जब सब कुछ आता है तो सब कुछ। अब मैं इसी वीडियो की बात कर रहा था जिसमें ये बंदा जो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है, जो देख सकते हो आप ओवर रिएक्ट क्लियरली पता चल रहा है। इस बंदे का नाम जुनैद है, जो बंदा हंस रहा है, जो रिएक्शन दे रहा है अभी हाल फिलहाल में, अभी सारे वीडियोस पे, इसका नाम असद है। अब यहाँ पे भी क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो बंदा जुनैद है ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि मतलब मैं इंडियन हूँ, बट क्लियरली पता चल जा रहा है और जो उर्दू वो बात उसने बोल दिया बीच में, तो इससे क्लियरली पता चल गया कि ये इंडियन तो है नहीं लेकिन इंडियन बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब चलो एक टाइटल में आप लिख सकते हो इंडियन रिएक्शन, लेकिन हर टाइटल में आप इंडियन इंडियन आपने डाला हुआ है और आप क्लेम भी खुद को कर रहे हैं, हालांकि किसी में इसने अपना नाम नहीं बताया है लेकिन क्लेम तो ये कर रहा है, वीडियो देख के साफ पता चल रहा है। और भी आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, आप देख के खुद पता कर लो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अब इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि भाई मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया इस बंदा का। अगर मैं दो चैनल बना लेता हूँ जिसमें मैं कुछ और नाम बता रहा हूँ अपना, इस चैनल पे मैंने अपना कुछ और नाम बताया, इसमें मैं कुछ और बन गया, उसमें कुछ और बन गया, तो कल के डेट में जब मेरा चैनल ग्रो करेगा तो आज नहीं तो कल मेरे व्यूवर्स को तो पता चल जाएगा ना कि भाई ये इधर कुछ और बता रहा है, उधर कुछ और बता रहा है। तो ये फ्रॉड टाइप का कुछ गेम लग रहा है मेरे को, इंडियन बन के ये रिएक्शन दे रहा है, इधर उधर पाकिस्तानी बन के रिएक्शन दे रहा है, लोकेशन में इसने अपना पाकिस्तान डाल रखा है और वीडियो के आखिरी में आप देखोगे तो उर्दू वर्ड्स भी दिख जाते हैं। हालांकि उर्दू वर्ड्स के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने जो एपिसोड किया है अपने ये वाले चैनल पे, एपिसोड 1, 2, 3 जो फिज़ा खान के साथ आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोगों ने, उसमें मैंने भी कुछ मतलब उसमें कई लोग तो पहचान नहीं पाए कि मैं पाकिस्तानी हूँ या फिर इंडियन हूँ, तो उसको लेके तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आप खुद जज करके बताओ कि कितना सही है कितना गलत है। मेरा काम था कि ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर इंडियन के नाम पे कोई ऐसा कर रहा है तो जाहिर सी बात है दिखाना ज़रूरी हो जाता है, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब आप लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो और आप खुद कमेंट करके बताओ कि ये कितना सही है और कितना गलत है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना आप ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और हाँ, अगर आपने एपिसोड 1, 2, 3 वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो ज़रूर से जाओ और देख लो, बताना कमेंट करके मुझे कैसा लगा। जय हिंद आप सभी को।